नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे सेवन हिल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या इस कंपनी को बाई करना चाहिए? आज इस कंपनी ने लोअर सर्किट पे क्लोजिंग दिखाया, उसके पीछे के रीजन को हम डिस्कस करेंगे और साथ के साथ यह कंपनी कहां तक ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा उसको भी हम डिटेल में एनालाइज करके आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो देखते हैं इस कंपनी के डिटेल को। सबसे पहले अगर इस कंपनी के 52 वीक लो की बात करें तो 32 पैसे का डिटेल आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 1.12 रुपये का इस कंपनी ने हाई बनाया था। तो देखते हैं इस कंपनी के डिटेल को। दोस्तों, अगर इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के चार्ट में हम डिटेल देखें तो आप देखेंगे इस कंपनी में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिला। कंपनी 1.12 रुपये का अपना हाई बनाया और वहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हुआ। उसके बाद इस कंपनी ने सपोर्ट लिया और फिर से बाउंस बैक किया, लेकिन अपने प्रीवियस हाई से पहले इस कंपनी ने फिर से रेजिस्टेंस फेस किया और वहां से गिरना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे में इस कंपनी का जो पहला सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 70 पैसे के पास में, और जब कंपनी जैसे 70 पैसे के लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे जाता है तो शॉर्ट टर्म वालों को तुरंत निकल जाना है, क्योंकि उसके बाद इस कंपनी में काफ़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया तो कम से कम 3 से 5 साल के लिए आप भूल जाइए इस शेयर को। यह शेयर या फिर आपको ऊपर लेकर जाएगा या फिर नीचे लेकर जाएगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से कम 3 से 5 साल का टाइम दीजिए अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया है। और अगर आप बाई करना चाहते हैं तो फिलहाल अभी पैनिक शेयर से दूर रहें, क्योंकि अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पैनिक चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको किसी भी पैनिक शेयर में एंटर नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।